वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सभी बेटा? वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासरूम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एवरीबडी इज फाइन एट होम ऑल्सो। सो द ग्रेट टू बी विद चिल्ड्रेन 21 9 21 क्लास 12C subject psychology I hope the details are very much visible to you all date class and subject Children, we are doing the revisions. Revisions कर रहे हैं। And in terms of the revision, we are discussing the chapter 4, Psychological Disorder. In this chapter, I am discussing with you the objective type portion. Class 12C. So be ready for discussing about the objective type questions from chapter 4. Yesterday, in the yesterday video, I had discussed with you the MCQs. मैंने आप सभी से MCQs डिस्कस किया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑल्सो टॉक अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स टू फॉल्स एंड वन वर्ड आंसर। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड द MCQs। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज फिलिंग द ब्लैंक्स। Developing a fear of entering. Please kindly neglect this disturbance. So, developing a fear of entering unfamiliar situation. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू, द क्वेश्चन इज डेवलपिंग अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफैमिलियर सिचुएशन। किसी अनफैमिलियर सिचुएशन में जब आप एंटर करते हो, अनफैमिलियर मीन्स विच इज अ सिचुएशन विच इज अननोन, अनफैमिलियर, आप उससे फैमिलियर नहीं हो, इट इज अननोन टू यू। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप एंटर करते हो तो उससे फियर होता है, डेवलपिंग अ फियर ऑफ अनफैमिलियर सिचुएशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज, सो इट इज नोन एज व्हाट, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर होगा इट इज नोन एज अगोराफोबिया, इट इज नोन एज अगोराफोबिया। क्लियर? आई थिंक वेरी ईजी क्वेश्चन एंड
आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा मेरे साथ, सो मैं रब कर रही हूँ बोल। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर टू। अगेन आई एम रिमाइंडिंग इज यस्टरडे वीडियो आई हैड डिस्कस विद यू द MCQs, बट टुडे आई एम डिस्कसिंग विद यू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। स्पेसिफिक फोबियाज आर द मोस्ट स्पेसिफिक फोबियाज आर द मोस्ट डिसरप्टिव ऑफ दी आर द मोस्ट डिसरप्टिव ऑफ दी फोबियाज। इज इट द स्टेटमेंट इज ट्रू और इज इट अ फॉल्स। स्पेसिफिक फोबिया जो है ये सबसे ज़्यादा डिसरप्टिव होता है फोबियाज में, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ऑब्वियसली इट इज फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिसरप्टिव होता है ऑफ दी फोबियाज। ठीक है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो टू क्वेश्चन आई हैड डिस्कस विद यू। Moving to the next, a statement form of case study based question. Question number 3. A soldier from the army reported a soldier from the army reported paralysis of the right hand. A soldier from the army reported paralysis of the right hand. The doctors said that the doctor said that, okay, it's not going proper. The doctors said that it is not physiologically possible to experience paralysis of the hand only. Paralysis of the hand only. The disorder he is suffering from is rash.
I hope you all have written down the question. Please note it down the question properly. आप लोग क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से और क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग अ सोल्जर फ्रॉम द आर्मी. अ सोल्जर, एक सोल्जर है आर्मी से, उसने रिपोर्ट किया पैरालिसिस ऑफ द राइट हैंड. वो ये रिपोर्ट करता है कि उसका राइट हैंड जो है, राइट हैंड इज पैरालाइज्ड. आर्मी का सोल्जर ये रिपोर्ट करता है कि उसका राइट हैंड पैरालाइज हो चुका है, जबकि डॉक्टर ने कहा कि फिजियोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है टू एक्सपीरियंस पैरालिसिस ऑफ द हैंड ओनली. सिर्फ हाथ को पैरालिसिस करना ये फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है. तो यानी व्हाट डज इट मीन, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर होता है, विच काइंड ऑफ डिसऑर्डर वेयर द पेशेंट कंप्लेन ऑफ द पैरालिसिस. पैरालिसिस का कंप्लेन पेशेंट किस में करता है. यू हैव टू रिमेंबर. सो आई होप यू ऑल हैव रिटन इट. So the answer of this particular question is conversion. Conversion disorder. The person is suffering from conversion disorder. Clear? So I'm going to rub the board now. Moving to the question number 4. Moving to the question number 4. In bipolar affective disorder, affective का मतलब होता है, the meaning of affective is feeling, it is related to the feeling. So in bipolar affective disorder, periods of mania, alternate with periods of depression. In bipolar affective disorder, periods of mania alternate with periods of depression. Is this statement is true or false? Is it a false or is it a true? आपको बताना है ये false statement है या true है. Bipolar disorder में ये it was asking कि उसमें mania के भी episode आते हैं और depressive के भी episode आते हैं. Is it a true or false? ये true है या false है. So obviously the answer of this particular question is true. Okay, bipolar disorder is one of the mood disorder, and mood disorder is categorized into 3 part: depression, mania and bipolar. Depression mein only depressive attacks aate hain, mania mein manic attacks aate hain, and in this both the things were present, alternately present. Kabhi depressive aata hai to kabhi mania aata hai. Clear?
सो प्लीज़ नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. इस क्वेश्चन को भी आप सभी लिख लीजिए. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. A disorder in which a disorder in which long period of calm a disorder in which long period of calm are broken by sharp intense period of anxiety is called dash. क्वेश्चन आपको समझ में आया? पहले लिख लीजिए. द फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज अ डिसऑर्डर. वो डिसऑर्डर क्या है जिसमें कि लॉन्ग पीरियड ऑफ काम यानी शांति जो लंबे समय तक चली आती है वो एक शार्प और इंटेंस पीरियड ऑफ एंजाइटी, सडन शार्प इंटेंस पीरियड ऑफ एंजाइटी, तो उसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड अ पैनिक डिसऑर्डर. इट इज कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर. Shall we move forward? आगे बढ़े. क्वेश्चन लिख लिया आप सभी मेरे को. क्वेश्चन नंबर 6. According to Beck, perfectionist believes. Are an important factor in depression. Is it a true statement or false? Beck के अनुसार परफेक्शनिस्ट बिलीव जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिप्रेशन के लिए. बेक मीन्स बेक इज अ नेम ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट एरन बेक. एरन बेक ने कहा कि परफेक्शनिज्म यानी जब भी इफ एनी पर्सन हैव अ टेंडेंसी टू हैव द परफेक्शन तो समटाइम दैट परफेक्शन में लीड टू द डिप्रेशन ऑल्सो. हर एक चीज़ों को परफेक्ट करना मीन्स कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. So somewhere it is having a kind of stress.
स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन होता है. ठीक है, सो ऑब्वियसली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू. इट इज ट्रू. ठीक है, प्लीज चिल्ड्रन दीज क्वेश्चंस आप लिखेंगे कॉपी में. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, डैश डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, डैश डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, डैश डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग एबिलिटी एबिलिटी टू रिमेंबर इन्वॉल्विंग एबिलिटी टू रिमेंबर वंस प्रीवियस लाइफ वंस प्रीवियस लाइफ and one's previous life and involves wandering. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किसी किस डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में एबिलिटी टू रिमेंबर वंस प्रीवियस लाइफ, ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें हम प्रीवियस लाइफ को अपने प्रीवियस लाइफ को रिमेंबर नहीं कर पाते और वॉन्डरिंग करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते हैं. ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन अपने प्रीवियस लाइफ को भूल जाता है और वॉन्डर करने लगता है? व्हाट इज दैट स्टेट? सो इट इज अ स्टेट ऑफ फ्यूल. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्यूल, FUGUE, फ्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. आई एम राइटिंग ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 8. डीपर्सनलाइजेशन इज एन एक्सट्रीमली रेयर एक्सपीरियंस डीपर्सनलाइजेशन क्या है? डीपर्सनलाइजेशन इज एन एक्सट्रीमली रेयर एक्सपीरियंस. दिस इज अ स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इट वॉज आस्किंग दैट जो डीपर्सनलाइजेशन विच इज अ पार्ट ऑफ द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं इट इज वन ऑफ द डिसऑर्डर. डिसोसिएशन मीन्स नो एसोसिएशन. सो इट इज अ डिसऑर्डर वेयर द पर्सन हैज नो कनेक्शन विद द रियालिटी. रियालिटी से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता. ठीक है, जैसे डिसोसिएटिव एमनीशिया, फ्यूड, आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड सिमिलरली इज द डीपर्सनलाइजेशन. डीपर्सनलाइजेशन में ड्रीम लाइक स्टेट में होते हैं पर्सन. सो यही बोल रहा है कि इट इज एन एक्सट्रीमली रेयर एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है. तो डेट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रू. इट इज ट्रू. क्लियर? So up to the 8th question I had discussed with you children in this particular video of today from the chapter 4. And all these are objective, yani most of the questions contain the fill in the blanks and the true false. Yesterday I had discussed with you the MCQs. Okay? Please watch the video, write down the question answer in your copy. कोई भी टॉपिक में आपको डाउट रहता है तो यू विल आस्क टू मी इन द क्लासरूम. ओके चिल्ड्रन,
थैंक यू सो मच फॉर केयरफुली लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग दिस वीडियो. थैंक यू.